हेलो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम मोदी के फाउंडेशन की तरफ से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 32 करेंगे, जिसमें हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें इन चित्रों को पहचानना है और उनके शब्द यहाँ पर लिखने हैं और फिर उन्हीं शब्दों से हमें यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहले चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है कि पहला चित्र हमें पेड़ का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पेड़ शब्द लिखा है और उसी से हमने यहाँ पे वाक्य बनाकर आपको दिखाया है। तो चलिए इस कार्य को हम शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र पहचान कर सही शब्द लिखो और इन शब्दों से वाक्य बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह का कार्य किया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे चित्र दिए हैं, पहले हमें इन चित्रों को पहचान कर उनके यहाँ पे शब्द लिखने हैं और फिर उन्हीं शब्दों से इस वाली जगह पे हमें उनका वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे क्या चित्र दिखाई दे रहा है हमें? ढोलक। क्या दिखाई दे रहा है? ढोलक। तो हम यहाँ लिखेंगे ढोलक, ढोलक, ढोलक। तो अब ढोलक शब्द से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे हम ये बना सकते हैं कि मेरे घर में ढोलक है, या ये बना सकते हैं कि मेरे पास ढोलक है, या मेरी मम्मी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं। तो चलिए मैं एक वाक्य बनाकर यहाँ लिखती हूँ, मेरे घर में ढोलक है। और जब हमारा वाक्य का अंत होता है तो हम लगाते हैं पूर्ण विराम, और जिस शब्द से हमने वाक्य बनाया है उस शब्द को हम इस वाक्य में क्या करते हैं बच्चों? उसके नीचे हम लाइन भी खींचते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमने किस शब्द से वाक्य बनाया है। इसी तरह आगे दूसरा देखते क्या दिया है हमें। यहाँ दिखाई दे रही है गाय। क्या दिखाई दे रही है? गाय। तो पहले हम यहाँ गाय शब्द लिखेंगे। अब हमें इस गाय शब्द से यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो गाय से आप बच्चों बहुत सारे वाक्य बना सकते हो कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है और गाय घास खाती है। तो मैं एक बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ इसके अलावा भी आप कुछ और बनाना चाहते हो वो भी आप बनाकर यहाँ पे वाक्य लिख सकते हो। तो मैं लिख रही हूँ, गाय हमें दूध देती है, और वाक्य के अंत में लगाएंगे हम पूर्ण विराम। और गाय शब्द से हमने वाक्य बनाया था तो इस गाय शब्द के नीचे हम लाइन खींच देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमने किस शब्द से वाक्य बनाया है। आगे हमें दिखाई दे रही है एक तितली, जो कि कैसी दिखाई दे रही है? बहुत सुंदर है। तो पहले हम यहाँ तितली शब्द लिखते हैं, तितली, तितली। तो बच्चों तितली शब्द से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, या तितली फूलों का रस पीती है, तितली देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। मैं यहाँ एक लिख रही हूँ, तितली फूलों का रस पीती है। और ये वाक्य मेरा खत्म हुआ, तो अंत में मैंने लगाया पूर्ण विराम। और मैंने किस शब्द से वाक्य बनाया था बच्चों? तितली शब्द से। तो यहाँ पे हमें पहले ही शुरू में दिखाई दे रहा है तितली शब्द, तो इसके नीचे भी हम इस तरह लाइन खींचेंगे। तो बच्चों हमने पेज नंबर 32 पे जो चित्र दिए गए थे, उन चित्रों से हमने यहाँ पे उनके शब्द लिखे और फिर उन शब्दों से हमने यहाँ पर वाक्य बनाए। तो इस कार्य को आप भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।